जिहड़ा ये दिवाली का त्यौहार है ये साढ़े वास्ते दो दिन का सैलीब्रेट हो जाता है। आखिर की कारण आ कि इत्थे एक दिन बाद विच दिवाली मनाई जांदी? उन्हों लभण वास्ते जिहड़े पिंड दे सारे बजुर्ग थे वो लभण चले गए, बीबियां घरे कल्लियां रह गईयां, तो उन्होंने लभदे लभदे टाइम काफ़ी लंघ गया, दिवाली का त्यौहार का जिहड़ा वो लंघ गया। फिर उन्होंने जिहड़ा दिवाली का त्यौहार थी वो दूसरे दिन मनाया। बकरा अपने आप घूम के उस स्थान पर अपना सिर झुका लैंदा सी, ये कोई पता कारण नहीं भी किस क्यों झुकाउंदा सी, क्या कारण थी। स्पेशल जिहड़ी अनाउंसमेंट करवाई जाती है गुरुद्वारा साहिब दे विच कि बाहरों कुछ ना खरीदया जाए, जो इत्थे दुकानदार आया उन्होंने कोलों ही समान लिया जाए। क्योंकि ये कहिंदे ने भी जिहड़ियां रूहां आईयां ने वो अपने खुश होकर जान ते जांदे भी है ने। पंजाब दी हर वड्डी खबर ते वड्डा इंटरव्यू सब तो पहला देखण लई डाउनलोड करो प्रो पंजाब टीवी दा मोबाइल ऐप। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो प्रो पंजाब टीवी, मैं हाँ खुशी सरां। सोजी दिवाली का त्यौहार सी ते असीं सब ने बड़ी ही धूमधाम दे नाल मनाया, ते तुसीं भी सब ने खूब सारी शॉपिंग की, खूब सारिया मिठाइयाँ खादियाँ, बहुत सारे पटाके भी चलाए। पर कि ये जश्न खत्म हो गया जी? नहीं, तुहानू मेरे पिछे काफ़ी सारी ना रौनक नज़र आ रही होएगी, ते ये रौनक का कारण आ कि असीं अज जिथे मौजूद आ ना इत्थे अज दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, तुसीं ठीक सुनिया, जिथे कि असी सारे लोग कल दिवाली का त्यौहार मना चुके हैं, उत्थे ही इस पिंड जिथे कि असी पहुंचे हाँ, पिंड का नाम आ चिल्ला, जिथे कि अज यानी कि दिवाली तो एक दिन अगला जिहड़ा हुंदा आ उस दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, तो उहदे ही करके जिहड़ियां ने अज बहुत सारिया इत्थे रौनकां लगियां होईयां ने। तुसीं देख सकते हो मेरे पिछे तुहानू काफ़ी सारिया इत्थे दुकानां नज़र आ रही ने, काफ़ी सारे तुहानू बच्चे इत्थे खेडदे हुए नज़र आ रहे ने, क्योंकि अज शाम नूं इस पिंड दे विच मनाई जाएगी दिवाली। इसका की कारण है कि जिस दिन दिवाली होंदी है उस दिन इतने दिवाली ना मना के बल्कि अगले दिन मनाई जाती है, उही जानने के लिए अज असीं इतों के लोगों के नाल गलबात करांगे, तो उन्होंने कोलों जानांगे कि आखिर अगले दिन क्यों मनाई जाती है दिवाली। सो फिर देर किस चीज़ से, अगे चलते हैं तो गलबात करते हैं इतों के लोगों के नाल। सो इस टाइम पर मेरे नाल पिंड के कुछ नौजवान तो कुछ बुजुर्ग मौजूद ने, गलबात करते हैं उन्होंने नाल, तो उन्होंने कोलो जानते हैं कि आखिर की कारण आ कि इतने एक दिन बाद विच दिवाली मनाई जाती है। सत श्री अकाल जी, तुहाडा सब का बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब टीवी। सत श्री अकाल जी, पहला तो असं प्रो पंजाब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तुम साढ़े नगर के आए इस दिवाली के त्यौहार को कवर करने वास्ते, ते तुसी दसो भी क्या पूछना चाहते हो। बापू जी, सब तो पहले तो मैं ही जानना चाहनी कि आखिर की कारण आ कि इत्थे एक दिन बाद विच दिवाली मनाई जाती है। असल च देखो प्रॉपर किसी नूं भी नहीं इस बारे पता, जो इतिहास साडे बजुर्गों तो सानू पता लग्या उस दे संबंध विच असीं यही जानते हैं भी जिहड़े साडे बजुर्ग थे, मेरी अपनी 45 साल उम्र है ते साडे दादा जी 30 साल हो गए उन्हां नूं गुजरिया नूं, उस टाइम उन्हां की 80 साल उम्र थी, तो उही यही दसदे थे भी पिंड दियां मझां चरन गईयां तीयां ते वो कितें दूर चले गईयां, फिर वो ना काफ़ी टाइम हो गया भी आईयां नहीं वो मुड़ के, तो उन्होंने लभण वास्ते जिहड़े पिंड दे सारे बजुर्ग थे वो लभण चले गए, बीबियां घरे कल्लियां रह गईयां, तो उन्होंने लभदे लभदे टाइम काफ़ी लंघ गया, दिवाली का त्यौहार का जिहड़ा वो लंघ गया। फिर उन्होंने जिहड़ा दिवाली का त्यौहार थी वो दूसरे दिन मनाया, उसनों फिर परंपरा नूं इस तरह ही इन्होंने मतलब मनाना शुरू करते हैं जिस तरह उन्होंने सानू दस्या। दूसरी प्रथा ये थी इत्थे बकरे की बली दी जाती थी, इत्थे साढ़े नगर दे आस्था भावना नाल जिन्हां नाल जुड़ी हुई है, नगर का खेड़ा है, इहदे नाल ही सामने जगह है, उत्थे बकरा बकरे की बली दी जाती थी, एक टक च उहदा सिर कलम करदे थे, तो वह पिंड दे पंचायत एक मोहतरम बंदे नूं चुन के ओदी ड्यूटी लांदे थे भी तू ये कम करना है,
तो एक मतलब बकरा अपने आप घूम के उस स्थान पर अपना सिर झुका लेंदा थी, ये कोई पता नहीं कारण भी किस क्यों झुका थी क्या कारण थी, अपने आप खुद चला जाता असी देखा नहीं है। ये प्रथा नूं तकरीबन 45-40 साल हो गए बंद होई नूं, साडी इन्नी कि उम्र है। तो जिस तरह सुनी सुनाई गल असी थोनों बयान कर रहे हैं भी वह प्रथा भी बंद हो गई। तो हुण जिहड़ा ये दिवाली का त्यौहार है ये साढ़े वास्ते दो दिन का सैलीब्रेट हो जाता है। एक दिन साडा जिहड़ा सारा पिंड है वह दूसरे साढ़े साग संबंधियों जिते कितने साड़ी धियां बहाई हुई साड़िया बेटे बहाए हुए हैं उन्होंने सहुरियां चले जाते हैं। तो दूसरे दिन साढ़े हर घर के तकरीबन 5-5, 7-7, 10-10 रिश्तेदार आए होने हैं, एक मेले का माहौल बन जाता, क्रिएट हो जाता। पर कुछ कारण करके 4 साल हो गए भी असी प्रॉपर इस त्यौहार को मना नहीं पा रहे। पहला तो साढ़े पिंड एक पहला 4 साल हो गए ट्रेजिडी हो गई थी, हुण थोड़ा जिहा इहनूं कन्वर्ट करके असी एक मेले का माहौल बनाने का यतन कर रहे हैं। पिंड का यूथ है जिन्हें भी खड़े हैं, गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी है, शुरुआत गुरद्वारा साहब तो होंदी है, सुखमनी साहब का पाठ होंदा है ते कथा विचार होंदी है, फिर ब्लड कैंप भी लगता थी ते बच्चों वास्ते ऊंट कैमल आते थे मिकी माउस वगैरह झाटी देने वास्ते, तो लंगर का भी प्रबंध होंदा थी, गतका भी दिखाया जाता थी, सिख इतिहास से चित्र प्रदर्शनी लगती थी, बच्चों दी दौड़ा भी कराई जांदियां। यह सारा प्रोग्राम अज होना सी, असी सारा ही तैयारी करी बैठे से, बच्चों के नाम भी लिया के रखे थे, ट्रॉफियां ब्लड कैंप वाले नूं देनियां, सारा प्रबंध लंगर का भी, सारा लंगर हाल च समान पिया करियाने का लियाने होया। वो परसों साडे पिंड दा यूथ दा एक यंग दी मतलब 50 साल उम्र थी उन्हां दी एक्सीडेंट होने कारण उन्हां दी डैथ हो गई। ये जिहड़ा पिंड है एक ही परिवार तो उपजा है, जिहड़ा जिमीदार भरा इत्थे जिन्ने भी रह रहे हैं ये एक चड़िक पिंड तो आया होया एक परिवार थी, वो अगे दो बेटे थी, उस तो फिर सारा परिवार बनया होया एक पिंड एक परिवार है। वैसे होर समाज के भी इत्थे रहिंदे हैं पर वो समाज भी साढ़े नाल जुड़िया होया, एक परिवार पिंड नहीं एक परिवार की तरह असी एक दूए नाल मिल जुड़ के सुख दुख च सांझी हैं। उस परिवार दा दर्द समझते हुए सारा असी जिहड़ा प्रोग्राम है वह रद्द करते। जिहड़े दुकानदार इत्थे जिस तरह हुण बाजार लग्या होया इन्हां नूं इस बारे नॉलेज नहीं थी भी उस पिंड च यह घटना वापर गई। दिवाली मनाई जाएगी वैसे कि वो देखो जी त्यौहार है, बच्चों का मन है ना जी, किसी नूं किसी पर जबरदस्ती नहीं है, पर एक हमदर्दी है उस परिवार नाल जिन्हां दा जी विछड़िया सा तो भी उस करके पहला नालों माहौल ठंडा है। मतलब वो माहौल नहीं जिस तरह असी करेड करना था मेले का माहौल भी साध हर एक दे परिवार के घर च उदासी है भी यार ये क्यों हो गया, क्योंकि पहला वो मुंडे की 4 साल पहला डैथ हो गई थी, तो उस तो बाद अपना करोना आ गया, फिर किसानी संघर्ष आ गया, हुण 4th साल च ये फिर सानू इस तरह का संताप झलना पै गया। पर नगर जिम्मे कहा कि बहुत सारिया तैयारियां कीतियां सी पर कितने ना कितने कहने कुदरत दे अगे बंदे दी नहीं चलती उही चीज़ आ, ते फिर भी असं देख रहे हैं रौनक लगी आ बच्चे जेडे ने कि चलो तो रब का रूप ने उन्होंने उन्हें चीज़ा नहीं। हाँ जी कि एक हाँ जी हाँ जी बच्चों नूं तां देखो सैलीब्रेट करना उन्होंने पता नहीं है, कईयां दे बच्चे इस तरह के होंगे उन्होंने खुद के प्यो की डैथ हुई होंगी उन्होंने पता ही नहीं होंगे भी मेरा मेरा साया मेरे सिर तो उठ गया मेरा प्यो चले गया ना, उहदा ध्यान ऐसे इस अट्रैक्टिव होंदा इन चीज़ों वल नूं भी मैं खिडौना लेना मैं बंब चलाउणे, पर उन्हें पता नहीं होंदा ना भी मेरा प्यो चले गया मेरे सिर तो भी बच्चों कुछ नहीं पता इस बारे है ना। पर जिहड़े सूझवान है वह सारे दे दिल च दर्द है भी साढ़े पिंड च यह घटना क्यों वापर गई। सो एक चीज़ इतने मैं जरूर जानना चाहाँगी जो तो मैं आई तो एक मैं गल सुन चाहिए कि कहें कि इतने बड़ा सेफ आ पिंड इतने थोड़ी कीर्तन जड़िया ने ठगिया चोरियां नहीं होंदिया तो की कारण आ मेरा तुम समझ लो कि हाँ एक डर जड़ा है पिंड का बाहरले लोगों के। हाँ जी हाँ इस तरह ही साढ़े चलो महाराज की कृपा है नगर से सारे बच्चे सूझवान है, तो एक साडा पिंड रस्ता एक है, तो दूसरा जोड़ा साडा आपसी भाईचारक सांझ है जे कोई इस तरह की एक्टिविटी होंदी है तो असं अलर्ट हैंगे। साढ़े जोड़ा यूथ है वो अपने आप ही देखता भी ये बाहरों आउटसाइडर बंदा है भी यदि इनकुआरी करनी है और पुछ गिछ पूरी करते हैं भी इस तरह नहीं बंदा भी कोई हरकत करके चले जाएगा। जिस तरह हुण ये दुकाना लगी हुई हैं जी इत्थे इन्हां वास्ते भी स्पैशल गुरद्वारा साहब तो अनाउंसमेंट होंदी है भी किसी भी परिवार ने बाहर तो समान नहीं लेके आना भी जो दुकाना इत्थे लगियां ये सातों कोई आस रख के आए हैं इत्थे
भी साडा समान बिकेगा। 10-20 रुपए सानू बेशक महंगा लग मिल जाए पर असी चाहते भी हाँ ये हर साल आउन साडे पिंड की रौनक वधाण वधाउण, क्योंकि सानू खुशी हुंदी है भी साडे पिंड च ये दुकानदार आए हैं, किसी नू चाह पानी की लोड़ है, लंगर प्रशादा गुरुद्वारा साहब च लंगर चलता उत्थे छकाने हैं, तो आप भी सीने घरां दे सामने कोई भी बैठा दुकानदार वो चाह पानी बारे जरूर पुछदा भी चाह भाई कोई भी लंगर की लोड़ है, मंजा दुकान लाने वास्ते मंजा चाहिदा या प्रशादा छकना, मतलब शाम नू इत्थे तक भी हुंदा हरेक अपना घर ਵਿਚੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲਮ ਵਾੜ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਦੌੜਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਸਾਕੱਸੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਆ, ਇਕੱਠਤਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗਰੁੱਪ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੋਧਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਚੁਗਦੀ ਚੁਗਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਮੱਝਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਟੋਲਦੇ ਬਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਉਹ, ਬਸ ਤੀਵਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤੇ ਬਾਅਦ ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਖੇੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਉਰੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 10 ਹੈ, ਕਿਸੇ 5 ਹੈ ਜੀ, 20 ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਕਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਯੂਸੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ।
सो इतों गल बात करते हैं दुकानदारा के नाल, तो उन्होंने कोलो जानते हैं कि जिस तरीके दे नाल दो दिन की दिवाली जी पिंड दे विच मनाई जाती है, एक दिन जिते कि पूरे देश च रौनक लगिया होंगे ने, तो उत्थे दूजे दिन इतने बड़ी स्पैशल जी दिवाली मनाई जाती है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। वाहेगुरू, सत श्री अकाल। सो बापू जी कितों आए हो तुसीं? असीं पिंड चांदीपुर तो आए हैं, आई टी सिटी चो। हाँ जी, हाँ जी। हर साल आते हो इतने दुकान लगाने लिए? सिर्फ इस बार आए? नहीं, हर साल ही आने। हाँ जी, हाँ जी। किवें रौनक मेला होंदा इत्थे हमेशा? रौनक एवें जी, महाराज सच्चे पातशाह ने कहा हुक्मे अंदर सब कुछ बाज, हुक्म ना कोई, जो भी होया वो हुक्म च होया। बाकी आ जी दूजी दिवाली दूजे दिन मनाई जाती है, ये भी महाराज का भाणा ही है, क्योंकि चलो मैं तो इस पिंड नूं बहुत सत्कारयोग समझना कि जेडे चलो मतलब जी दुख की घड़ी समझ के तो फिर दूजे दिन मना लगे ने, नहीं तो कई कहते हैं चलो दुख की घड़ी ज नहीं मनाई तो ना सही, पर नहीं, इन्होंने अपनी यादगार पूरी रखी है। रखण के कारण फिर सब तो वड्डी गल तो यह, क्योंकि बड़ा भागा वाला पिंड है, जिन्नी भी दुकानदार आते हैं, जिन्नियां रूहां आउंदियां ने बड़े बड़े दूरों, तो उन्हां दा बेचारियां दा माल भी बचिया हुंदा ते इत्थे आके लग जांदा, जदों लग जांदा ते फिर वो रूहां भी खुश हो जांदियां। कि स्पैशल जी अनाउंसमेंट करवाई जाती है गुरुद्वारा साहब के विच कि बाहरों कुछ ना खरीदया जाए, जो इतने दुकानदार आया उन्होंने कोलों ही समान लिया जाए। हाँ, ये इन्हां दी बहुत पिंड वालियां दा बहुत सत्कार है, सत्कार क्योंकि ये कहिंदे ने भी जिहड़ियां रूहां आईयां ने वो अपने खुश होकर जाण, तो जाते भी है ने। फिर वड्डी देण इन्हां दी इह वे कि पिंड वालियां दा एका बड़ा, फिर वड्डी गल तां इह वे कि सारे ही सौदा समान इत्थों ही खरीदते हैं, तो सारिया रूहां खुश होकर जांदियां ने। बाकी इस तरह वाहगुरू देखो ये भी किसी के कोल होंदी है देन, जिहड़ी निम्रता वाली है, निम्रता वाली हरेक कोल नहीं देन होंदी, ये किसी विरले कोल होंदी है जिन्हों महाराज बख्श देवे। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। बहुत सोहनी चीज़ है कि जिम्मे उन्होंने कहा कि बड़ा कोरपोरेट करते हैं पिंड के लोग जेडे इतों के दुकानदारों के नाल, जो कि इतने दुकाना लगाते उन्होंने को जाते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी भाई, तुम कितों आए? असं पिंड रुड़के तो जी। तुम भी हर साल आते हो इतने? हाँ जी, हर साल आने जी। किवें दा माहौल हुंदा हमेशा इत्थे, क्योंकि पिंड च बड़ी यूनिटी आ, बड़ा साथ दिंदे ने जो दुकानदार भी बाहरों आंदे आ? माहौल बहुत अच्छा है जी, इत्थे बड़ा सत्कार करदे ने पिंड वाले सारे, तो इन्होंने बड़े उपराले किए हुए ने जी, जिवें कि लंगर होया जी, चाह का लंगर हो गया जी, मंजे बिस्तरे जो चीज़ चाहिए सब कुछ देंदे ने सानू जी, तो सानू बड़ी खुशी है जी, सारे नगर का संयोग है साढ़े नाल जी, बहुत वधिया। ते समान विक जांदा हमेशा जिन्ना भी लैके आउंदे हो? हाँ जी, समान बहुत वधिया विकदा जी, इत्थे सानू इह फायदा जी, जिहड़ा साडा समान है जी, साडा जिहड़ी बचत है सानू वह बच जांदी है जी, बहुत अच्छा जी। हाँ जी, बहुत खुशी होंगी सानू जी। हाँ जी, हाँ जी। कुछ दिन पहला आके दुकाना लगाते हो कि जां फिर जिस दिन दिवाली होंगी जो इत्थे मनाई जाती सिर्फ उस दिन? जिस दिन इत्थे दिवाली उस दिन सवेरे मनाने असीं आके, उस दिन लैके आने समान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत वधिया जी, तुहाडा भी धन्नवाद, बहुत मेहरबानी। सो अगे तुहानू दिखाने आ, तुसीं इस टाइम ते देखोगे तुहानू इस गली च काफ़ी रौनक नज़र आ रही है, ते रौनक दा कारण आ काफ़ी दुकानां लगियां होईयां ने, लोग जिहड़े ने समान लै रहे ने, ते जिवें उन्होंने गलबात की उन्होंने कहा कि सब तो वड्डी जिहड़ी चीज़ आ गुरद्वारा साहिब दे विच अनाउंसमेंट कर दित्ती जांदी आ कि अगर किसी ने भी जो पिंड दे लोग ने किसी ने कुछ खरीदना है तो वह इन्हां दुकानदारां दे कोलों ही खरीदण जो कि दूरों दूरों आ के इत्थे दुकानां लगांदे ने, तां कि उन्हां नूं प्रॉफिट हो सके, उन्होंने भी बचत हो सके, जो कि स्पैशल आते हैं तो हर साल जेडे इतने जरूर आना। सो इतने मेरे लगे बापू जी मौजूद है, गलबात कर दिया उन्होंने नाल। सत श्री अकाल बापू जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी बापू जी, मैं सब दे कोलो जान रही हूँ, सब उही चीज़ा कह रहे हैं ना कि जिवें वड्डे वड्डे रेंदे कोलो सुनिया सुनाइया चीज़ा आ रही ने कि आखिर क्यों जी इतने दिवाली एक दिन बाद मनाई जाती है? ये जी हूँ मैं क्या कह सका जी, हूँ बहुत देर की पुरानी बातें चल रही जी, ये अजिया तो है नहीं, ठीक है जी। पहला मैं तो इतने सुनिए जो पिछले बंदे आए थे भी इतने किसी के बच्चे चक लिया मैं जी। अच्छा। हाँ जी, उसकी चुक नहीं थे खेड़े की बच्चे ने चुक लिया गया सी? हाँ जी, हाँ उन्होंने चक गए सुख देने थे, और पिछले जिसका बच्चा था उसका रौला पाने से बच्चा चुकया गया, इतने लैन के टोकर के तला बंद कर दिया बच्चा। ओके। हाँ जी, वो बच्चे का मिंडा बन गया। अच्छा। हाँ, पुलिस आ गई जब पुलिस ने चक्या टोकरा भी वो बच्चा था, वो मिंडा हो गया। फिर जाते एक दिन बाद दौड़ी लगे मना, फिर सुख मिंडे ही दंदे रहे जी, हूँ तक दंदे रहे, मैं भी देखी है। हाँ बस यो कहानी, तो एक दिन पिछले दौड़ी मना हो रही है जी।
बड़े सारे दुकानदार जिहड़े ने उह कहिंदे सी हर साल आने इत्थे बड़ियां दुकानां लगियां ने अंदर असीं देख रहे हां बहुत हुण वी बहुत लगी हां। सो इस टाइम मेरे नाल पिंड दे सरपंच निर्मल सिंह ते उहनां दे भूआ जी सुरिंदर कौर मौजूद ने, गलबात करदे उहनां दे नाल। सति श्री अकाल जी। सति श्री अकाल मैम जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम तुहाडा। सति श्री अकाल जी। ओके, सो निर्मल सिंह जी, अगर गल देखिए तो है ना, पिंड दे विच दिवाली एक दिन बाद च मनाई जाती है, की कारण, क्यों मनाई जाती एक दिन बाद? कारण मैम इदा गा जी, जदों ना दिवाली सी उस दिन साडियां मझां लंघियां सीगियां, जिहड़े पुराने बजुर्ग जिवें दसदे आ जी, पर उह मझां दूजे दिन मिलियां तां करके दूजे दिन दिवाली मनांदे जी। सो अगर माता जी गल करिए, तुसीं इत्थे जम्मे पले, तुहाडा घर, तुसीं अपने मम्मी पापा की गल करिए, दादी दादियां की गल करिए, बड़ियां चीज़ां सुनियां होणगियां, किहड़ियां ओह चीज़ां ने जिन्हां दे करके हां तुहानूं लगदा कि ओह कारण सी कि दिवाली बाद च मनाई जाती है? भाजी इदां ही दसदे आ वी, मतलब बजुर्ग जिहड़े अपने पिछले पुराने वी मझां भज्जियां दियां ते उहनां नूं लैण गए उदण मुड़ियां ते दूसरे दिन मनाई जाती है। बहुत सारी दुकाना लगिया हुई ने, उन्होंने गल की, बड़े खुश ने दुकानदार भी, कहते हैं कि बड़ा कोरपोरेट करते हैं पिंड वाले, चाह पानी देंगे ने, बिस्तरे देंगे ने। सो हर साल इवें रौनक मेला होंगे है? हाँ जी, हरेक साल होंगे जी। सो की होंगे खास करके, कि दिवाली के मौके पर कुछ खास चीज़ा की जाएगा हम पिंड? खास चीज़ा इदा हम खूनदान कैंप लवाने जी हरेक साल, खेडा कराने जी हरेक साल। इस साल माड़ा जहा अचानक कोई डैथ हो गई पिंड नौजवान मुंडे की जी, उस कारण ऐतकी रद्द करता जी सारा प्रोग्राम जी। ਸਵਾਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂ, ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।